एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन ने पेल्विक और स्पाइन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार ने जहां बीमारी के बारे में तमाम जानकारियां दी और उसके इलाज के बारे में जानकारियां दी, वहीं कार्यशाला में विशेष रूप से डॉक्टर मनीष अरोड़ा देहरादून SBS विश्वविद्यालय के डीन थे, जिन्होंने पेल्विक और स्पाइन से संबंधित समस्याओं के निदान पर ऑस्टियोपैथी तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए जिससे कि ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए, इस पर पूरी तरह से जानकारी लोगों को दी। हमारा मेन पर्पस इन 2 दिन की कि हम हमारी बॉडी में जो लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे देखें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम जब गलत तरीके से सोते उठते बैठते हैं, हमारे तकिया इस्तेमाल करते कि नहीं करते, गद्दा कैसा है, बैठते हैं तो कैसे लगातार कितने समय तक बैठते हैं, इसके अलावा जो दिन भर के दिनचर्या में एक्टिविटीज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं। और कोई भी चीज़ जैसे हमारे बॉडी एक रेड पिलर की तरह है, अगर खंबे पे 2 रस्सियाँ बांध दीजिए, एक साइड से खींचेंगे तो खंबा उस तरफ झुक जाएगा, तो हमारी बोन्स एक साइड पे झुकने लगती हैं, उनकी अलाइनमेंट ख़त्म होने लग जाती है। तो हम वो ढूंढते हैं कि किस बोन की अलाइनमेंट ख़त्म हुई, क्योंकि जब बोन अलाइनमेंट उसकी ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं वो नस को दबाएगी और दर्द करेगी और हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो कम होने लग जाएंगे। तो ये हम बिना एक्सरे के, बिना MRI के, हम मैनुअल थेरेपीज को बोलते हैं, उससे हम ढूंढते हैं कि किस बोन में किस तरफ झुकाव ज़्यादा आया, कौन सी मसल टाइट हुई, उसको ढूंढने के बाद उसको कैसे ठीक करना, उसका निवारण कैसे करना है, ये हम यहाँ पे सीखने आए हैं। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अगर सड़क पे चलते हो 10 लोगों को पूछेंगे तो किसी को गर्दन दर्द, कमर दर्द ज़रूर 5 में मिलेगा। तो अगर हम ये मैनुअल थेरेपी करते हैं उनको, ना केवल हम बेटर करते हैं बल्कि उनके आने वाले टाइम में उनके डिस्क प्रोलैप्स, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सबको भी रोकने में मदद करते हैं। जो पुराने मरीज होते हैं खासकर के कमर दर्द के या गर्दन दर्द के, उनके लिए ये पद्धति कितनी कारगर है? बहुत है जी, लेकिन जितना रोग पुराना होगा उतना वक्त लगता है। बहुत बार दिखाया जाता है YouTube पे कि एक दिन में किसी ने ठीक कर दिया। हाँ, कोई कल उसको एंकल में स्प्रेन आया, उसका कल घुटना मुड़ गया, उसको एक सिटिंग में हम बेटर कर सकते हैं क्योंकि एक चीज़ ने उसको बोन की अलाइनमेंट को बिगाड़ा और उसको हमने ठीक कर दिया। लेकिन जब लंबे समय तक ये रोग रहते हैं तो मांसपेशियों में गांठें बन जाती हैं, मांसपेशियों में जुड़ने लग जाती हैं, तो हमें धीरे धीरे उनको खोलना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को परमानेंट कर सकें और उनको एक्सरसाइज सिखाएं बाद में, ताकि वो प्रॉब्लम उनको बार बार ना आए। मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, ये वर्कशॉप एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 2 दिवसीय वर्कशॉप था, आज इसका समापन समारोह है। इस वर्कशॉप में बेसिकली स्पाइन का अलाइनमेंट जो है और बॉडी का जो अलाइनमेंट, बैड पोस्चर के वजह से आजकल जो कमर में दर्द, घुटनों में दर्द जो आ रही है, अगर उसको समय रहते इसका ट्रीट किया जाए तो वो आगे चल के प्रॉब्लम ना करेगा, सर्जरी के लिए प्रोसीड ना करेगा, उससे पहले ये ठीक हो जाए। इसके मिस अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए ये जो वर्कशॉप है, ऑस्टियोपैथी मैनिपुलेशन जिसे बोलते हैं, ये टेक्निक बहुत कारगर है। बस ये ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब और भ्रामक बातों में आके ना करें इसको, जो सर्टिफाइड लोग हैं जो इसे प्रॉपर डायग्नोसिस करके और प्रॉपर तरीके से किया जाए तो सही है। क्योंकि आए दिन आप हमेशा सुनते होंगे कि हमें चटकाने वाला के पास भेज दीजिए, हमें ये करवा दीजिए, अब डॉक्टर साहब हमें ये कर दीजिए, पर ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट आते ही वो करना बेटर नहीं है। उससे बेहतर है कि पहले आप उसे प्रॉपर डायग्नोसिस करें, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करें,
फिजिकल डायग्नोसिस करें, उसके बाद देन आप प्रोसीड करते हैं, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, उसके बाद आप उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे, इसके बाद भी आपका काम आता है। जैसे कि आप जब ये करने के बाद वो प्रॉपर रिहैब के लिए प्रोसीड करेंगे, फिर आप प्रॉपर रिहैब करेंगे, वो मिस अलाइनमेंट को करेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग वो कर फिजियोथेरेपी अपनाएंगे, फिर वो फिजियोथेरेपी का कंटिन्यू सेशन लेंगे, फिर धीरे धीरे वो करेक्ट हो जाएगा। मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंडोरिंग रिहैब एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंडोरिंग वेलफेयर फाउंडेशन।